अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच आए हैं I-8 में और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे घर देखे माशाल्लाह, ये घर है I-8 के और बड़े खूबसूरत। ये अभी हम जिस गली में है वो गली नंबर कौन सी थी? 79 गली नंबर है I-8 में। और अभी उस घर में चलते हैं और इनके मुताबिक जो हमें मुझे पता चला है कि 15 प्लेटें लगी हुई हैं, 10 और लगानी है। और ऊपर वो कह रहे हैं शेड लगा हुआ है, लेकिन ये शेड लगा हुआ, वो शेड लगा हुआ, हाँ ये मैंने देख लिया, वो ऊपर शेड ऊपर पैनल लगाने में देखे, ऊपर पैनल हमने लगाने ये जी लगा हुआ है शेड और तकरीबन 15 प्लेटें लगी हैं, वहाँ पे हमने 10 और लगानी है और वो प्लेटें पड़ी हुई हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 3 प्लेटें हमने लगा दी, वो आपने वीडियो में देखी होंगी। इसी तरह 4 प्लेटें और यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो हमने यहाँ पे लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो जितनी भी प्लेट्स यहाँ पे पड़ी थी वो यहाँ ऊपर लगा दी हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, मैं दूर से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये सारी प्लेट्स जो हैं ऊपर लग चुकी हैं। अभी हम रूटिंग स्टार्ट करने लगे हैं तो इन प्लेट्स की जितनी भी क्या कहते हैं चाहे 2 स्टैंड यहाँ पे बन रही हैं और टोटल प्लेटें 22 हैं और 22 एक हम 12 की बना रहे हैं, एक 10 की बना रहे हैं, 2 स्टैंड बना रहे हैं। उनके कनेक्शन हम वहाँ नीचे कोने से वहाँ से लेके जाएंगे और सीधा नीचे इन्वर्टर पे। इसकी रूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जुम्मा पढ़ के हम वापस आ चुके हैं, खाना भी हमने खाया है, बड़ा मज़े का खाना था और गर्म गर्म रोटियां थी, मज़े थी, ज़बरदस्त किस्म का सीन था। अच्छा, अभी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। अभी हमने ना यहाँ से वो सामने से ड्रिलिंग करनी है, मतलब ये जो पाइप आपको वाइट वाला नज़र आ रहा है इसके कनेक्शन जो है ना वो यहाँ से जाएंगे यूँ, फिर यहाँ से यूँ, यहाँ से हम करने लगे यहाँ पे सुराख, यहाँ पे होगा सुराख, ठीक हो गया जी। इस सुराख से तकरीबन 4 एक सुराख और आ रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं हम वायर्स और नीचे पे इन्वर्टर लगेगा, वहाँ तक हमने वायर्स पहुँचानी है। तकरीबन 4-5 सुराख हैं, उन सुराखों में से गुजारते हुए 2 स्ट्रिंग्स हैं और एक अर्थ, टोटल 5 तारें हैं। और मौसम देखें कितना सोना बना हुआ है। पहले हम D12 गए हुए थे, D12 उस तरफ था, अभी हम I-8 आए हुए हैं और यह सामने आप देखें फुल जो है ना वो तूफ़ानी मौसम बना हुआ है। अभी ड्रिल को हम तार लगाने लगे हैं और तार लगाने के बाद जो है वो हम अपना काम जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सुराख करेंगे, फिर उसके बाद पाइप वगैरह काट के नीचे तक पहुँचाएँगे, फिर तारें डालना शुरू करेंगे। तो अभी हम करने लगे हैं, ये असनाद भाई ने जो है वो ड्रिल निकाल ली है, अब ये ड्रिल को वायर्स लगाने लगे हैं। वायर लगी हुई है ना जी? वायर लगी हुई है, बस हमने इसके आगे जो है वो बर्मा लगाना है, बर्मा लगा के और ड्रिल मार देनी है और कुछ भी नहीं करना। बिट ये मैं बिट भी दिखा देता हूँ, ये जी बड़ी बिट, ये बड़ी बेटा भी हम इसको लगाने लगे हैं और यहाँ पे हम सुराख करने लगे हैं। कौन सा वाला? ये वाला मेरा ऊपर वाला, ये हाँ कुछ पता नहीं, ये तो नजर आ देखें कहाँ पे निशान उन्होंने लगाया था, ये क्रॉस पड़ा हुआ यहाँ पे करेंगे क्रॉस करूँ। जिस जगह पे क्रॉस लगाया उधर ही लिखो, बहुत धरना करो, ये नहीं आएगा ना फिर, ये देखो ऐसे काट लेंगे, कुछ भी नहीं होता ऐसे काट लेंगे, क्यों नहीं आएगा, बस इधर रुको हटे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी हद तक तो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो ऊपर शेड का जितना काम था वो सारा जो है वो कंप्लीट हो गया, जितनी केबल टाइयाँ थी इनको टाइट करना ऊपर चढ़ा के वो सारा कंप्लीट हो गया। अभी जो है वो लेके जा रहे हैं इन्वर्टर नीचे और इन्वर्टर लगाने लगे हैं और अभी शाम भी होने वाली है तो इन्वर्टर लगा के मैं थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अभी हम करने लगे हैं जी इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। खोले मुनी भाई,
गुडवी ये कंपनी है, इस गुडवी कंपनी का इन्वर्टर है। अभी मुनीर भाई इसको ओपन कर रहे हैं। आप मेरे सर में बाहर गाड़ी खड़ी है। ये जी इन्वर्टर, और ये इसकी वो प्लेट है जो दीवार के साथ लगेगी जिसके ऊपर ये हैंग होगा। वहाँ पे है जगह, पीछे पकड़ अच्छा है, पकड़ छोड़ो यहाँ से, ग्रिप छोड़ दो। ये जी इन्वर्टर, यहाँ पे इनपुट वाला सीन है, यहाँ पे आउटपुट वाला सीन है। यहाँ पे सोलर प्लेट्स जो आती हैं, स्ट्रिंग्स बन के वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है जो घर में बिजली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है।